आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी फर्स्ट में पहली यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि हर यूनिट की शुरुआत में एक साइंटिस्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी अर्नेस्ट मायर सर हैं, आप इनकी फ़ोटो के नीचे देख सकते हैं। 1904 में इनका जन्म हुआ और 2004 को इनकी डेथ हुई। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन केम्प्टन जर्मनी। जर्मनी की केम्प्टन शहर में 5 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ। अर्नेस्ट मायर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th century। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे और इनको 20th century का डार्विन भी कहा गया। वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। हर समय के ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे। थी का मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जब भी 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट बनेगी उनमें इनका नाम जरूर रहेगा। मायर ज्वाइंट हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस और आर्ट फैकल्टी को 1953 में ज्वाइन करते हैं और रिटायर्ड होते हैं 1975 में। अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगाजीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब होता है सम्मान के साथ इनको सेवानिवृत्त किया गया, रिटायर्ड किया गया। तो कौन सा सम्मान दिया गया? अज्यूमिंग द टाइटल, उपाधि नवाजी गई। कौन सी उपाधि? अलेक्जेंडर अगाजीज। अलेक्जेंडर अगाजीज नामक उपाधि देकर इनको सम्मान के साथ रिटायर्ड किया गया। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, अलेक्जेंडर अगाजीज एक प्रोफेसर थे जूलॉजी में, जो कि समुद्री जीवों की पर अध्ययन करते थे, और इनकी डेथ 1910 में हुई और 1913 से इनके नाम पर ये प्राइज दिया जाने लगा। थ्रू आउट हिज नियरली 18-year कैरियर हिज रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी टैक्सोनॉमी जूजियोग्राफी इवोल्यूशन सिस्टमैटिक एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। स्पैंड का मतलब होता है रेंज। हिज रिसर्च स्पैंड, इनकी रिसर्च का जो रेंज था वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा था। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, वो ट्रिक से आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। आपको याद करना होगा हॉस्टेज। पी, हॉस्टेज पी आपको याद करना होगा। एच का मतलब होता है हिस्ट्री, ओ का मतलब होता है ऑर्निथोलॉजी, एस का मतलब होता है सिस्टमैटिक, टी का मतलब होता है टैक्सोनॉमी, ई का मतलब होता है इवोल्यूशन, जेड का मतलब होता है जूजियोग्राफी, पी का मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो इसको आप ऐसे ही आसानी से याद कर सकते हैं, 3-4 बार आप देखिए आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. इन्होंने अकेले ही origin of species diversity को evolutionary biology का आज के भी वक्त एक central question बना दिया है। He also pointed the currently accepted definition of biological species. Pointed मतलब इनके ही नेतृत्व में, इनके ही नेतृत्व में जो currently accepted biological species की definition है वो इनके ही नेतृत्व में दी गई। Meyer was awarded by 3 prize widely regarded as a triple crown of biology. इनको 3 सम्मान से नवाजा गया। उसको वाइडली मतलब व्यापक रूप से, जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इनका रेंज बहुत ज़्यादा था रिसर्च का, लेकिन इनको तीनों ये प्राइज बायोलॉजी में मिले, तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। पहला है बालजन प्राइज
1983 में मिला इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी इन 1994 में मिला, क्रॉफोर्ड प्राइज 1999 में मिला। इसको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। आप जानते हैं सीबीआई अपने देश की एक इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो है, तो सीबीआई से आपको याद रहेगा। इसमें सबसे पहले बी आता है, तो इन तीनों डेट में सबसे पहले 1983 भी आता है। अल्फाबेटिकली सबसे पहले बी आया तो 1983 भी सबसे पहले आता है इन तीनों ईयर्स में। आप तीनों ईयर्स याद हो जाएंगे, लेकिन इन प्राइस के हिसाब से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं अर्नेस्ट मायर सर का जन्म भी 1904 में हुआ, डेथ भी 2004 में हुई। इनके लास्ट में चार आ रहा है, मतलब लकी नंबर चार है। तो इंटरनेशनल प्राइज भी इनको 1994 में दिया गया। यहाँ पर भी ये चार लगा है, फोर लगा है लास्ट में। ये इंटरनेशनल का मतलब होता है विश्वविख्यात प्राइज, ये कोई इसको सीरियसली ना लेना, ये ट्रिक है। तो इंटरनेशनल मैन ये बन गए 1994 में, तो लकी थे, यहाँ पर भी चार लगा है। कारफोर्ड प्राइज अब एक बचता है, वो उसको आप आसानी से याद कर लीजिए, 1999। और इनकी डेथ हो गई 100 साल की उम्र में 2004 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।